नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। इस बीच आप लोगों ने कई सवाल ऐसे पूछे कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। मैं पहले भी कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि न्यूज़पेपर जो है वो आपकी तैयारी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप लोगों ने पिछले 2-3 सालों से मेंस का पेपर देखा होगा तो नियरली 60% जो पेपर है वो आपका करंट अफेयर्स जो है वो ये करंट ओरिएंटेड बेस आ रहा है। और अगर पीटी में भी बात करें तो 35 to 40 क्वेश्चन जो हैं वो पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो स्टैटोडाइनमिक्स का जो है वो दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर आपकी तैयारी का सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, आपका केंद्रीय बिंदु होना चाहिए। पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी तैयारी में उतरे हैं, या कई ऐसे बच्चे हैं जिनको तैयारी का प्रॉपर वे नहीं पता है और वो न्यूज़पेपर के साथ काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बच्चों को जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने देखा बड़ा कैजुअली वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि चाय की चुस्कियों के साथ बड़े आराम से जो है वो रिलैक्स होकर। न्यूज़पेपर जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए अलग नहीं आता, यूपीएससी के लिए कोई खास न्यूज़पेपर नहीं छपता। चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आइदर हिंदू पढ़ रहे हो, एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ रहे हो, जनसत्ता पढ़ रहे हो, कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ने का आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। राइट, आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप लोग जो है वो कम से कम समय में न्यूज़पेपर को जो है वो लगातार अपडेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक न्यूज़पेपर जो आता है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आप निशान लगा सकते हो और इनको आप जो है पूरे दिन में अपडेट कर सकते हो। आपको याद रखना होगा शुरुआती दौर में आपको 1.5 घंटा समय देना है, और इसके बाद धीरे धीरे इसको घटाते हुए 1 घंटे के अंदर लेकर आना है। और अगर जो मैथड मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ उस मैथड के माध्यम से आप जो है वो बिल्कुल ओरिएंटेड हो सकते हैं, फोकस हो सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपके सामने आज 10 टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपको डेली अपने जो है न्यूज़पेपर में उसको आपको टिक करके रखना है और उसको अंडरलाइन करके रखना है। पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है वो होते हैं न्यायिक निर्णय, यानी जुडिशियल जो आपके जो रिव्यूज आ रहे हैं या जुडिशियल जो आपके जो डिसीजन हो रहे हैं वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसमें आपको 2 कैटेगरी देखनी है ध्यान से। आपको सबसे पहले बात करनी है जो आपका सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, यानी कि जो आपका उच्चतम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट के जो डिसीजंस आ रहे हैं उनको आपको जो है वो अपडेट करना है। अगर जैसा कोई डिसीजंस ऐसे आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के बारे में बात किया, तो वो डिसीजन क्या था, संविधान पीठ किसे कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसे कहते हैं, वो किन दशाओं में जो है स्थापित की जा सकती है, कॉलेजियम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को लेकर जो भी न्यूज आ रही है वो आपको लगातार अपडेट करनी है। इस बार भी आप लोगों ने देखा कि न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी तरह हाई कोर्ट के जो निर्णय हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राज्यों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, तो वहां पर भी आप लगातार इसको अपडेट करेंगे, पहला आपको हुआ। सेकेंड जो होता है कि जो संसद के द्वारा प्रमुख विधेयक जो है, ठीक है, जो भी आपकी जो बिल्स हैं या इस तरह की चीजें हैं, वो अगर एक्ट कोई भी पास हो रहा है या अगर कोई कैबिनेट निर्णय ले रहा है यानी कैबिनेट कोई डिसीजन ले रही है, इसको आप तुरंत जो है वो वहां पर निशान लगाएंगे, कोडिंग करेंगे और उसको जो है आपको अपडेट करना है। सेकेंड आपका ये हो गया, यानी प्रमुख विधेयक जितने भी हो गए, जितने भी आपके एक्ट्स हो गए इंपॉर्टेंट, और जितने भी आपके कैबिनेट के डिसीजन हो गए, ये आप जो है उस दिन न्यूज़पेपर में अपडेट करेंगे। थर्ड, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, कोई भी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, तो रिपोर्ट और इंडेक्सेस यानी कि जो आपके सूचकांक होते हैं इनको आप अपडेट करोगे। मान लीजिए से कि भूख सूचकांक, हंगर इंडेक्स आया, तो आप सबसे पहले अपडेट करोगे ये किसका प्रकाशन है, ठीक है, कौन पब्लिश करता है इसे। सेकेंड स्टेज में आप देखोगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। थर्ड स्टेज में देखोगे भारत की रैंकिंग क्या है, और जो इंडेक्सेस में जो वेरिएबल्स लिए गए हैं, जो इसमें जो है चर लिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो किस आधार पर जो है ये सेगमेंट रखा गया, या मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से जो है इंडेक्सेस जो है वो कैटेगरीज रखी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड मैंने क्या बताया, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हुआ आपका जुडिशियल, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सेकेंड आपका हुआ जो इंपॉर्टेंट जो है विधेयक हो गए, एक्ट जो हो गए इंपॉर्टेंट, या कैबिनेट डिसीजंस हो गए। थर्ड मैंने क्या बताया, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो रही हैं, और रिपोर्ट्स के साथ साथ कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो होता है, अगर कोई आयोग बन रहा है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पीटी में इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, या जो है आयोग जब बनाया गया उसके बारे में पढ़ा, मिहिर शाह कमेटी का जो है वो सेगमेंट बना, तो इसको लेकर जो है रंगराजन कमेटी, हमेशा जो है एक क्वेश्चन आपको कमेटी से मिलना ही मिलना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इंपॉर्टेंट जो आपके कमीशन हैं, इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, ये जो इनका फॉर्मेशन हो रहा है, किस सब्जेक्ट को लेकर हो रहा है, इसके बारे में आप लोग
देख सकते हैं। जैसे 2 साल पहले जो पीटी में क्वेश्चन आया था कि हाल ही में गाडगिल समिति की रिपोर्ट जो है बड़ी चर्चा में रही, तो गाडगिल का संबंध किससे है? देखिए बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होता है, वो आपसे आपकी अवेयरनेस चाहते हैं। तो ये आपने देखा कि पश्चिमी घाट पर जो है पर्यावरण का जो अवनयन हो रहा था उसके रिलेटेड एक जो है वो गाडगिल समिति का निर्माण किया गया था, तो आप जो है इसके बारे में जो है अपडेट करेंगे तुरंत के तुरंत। अब अगर हम बात करें नेशनल वे में आते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में या नेशनल जो करंट अफेयर्स है, तो नेशनल करंट अफेयर्स के केस में काफी बड़ा दायरा होता है। इसमें याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जो है डील करना है, यूपीएससी जहां पर फोकस करता है वो डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, यानी कि विकास और अवसंरचना से आधारित जो भी है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है उसको साथ साथ अपडेट करते हुए चलना, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे विद्युत हो, या उससे संबंधित कोई योजना हो, या सरकार जो है पेयजल को लेकर आ रही है, स्वच्छता को लेकर आ रही है, ग्रामीण विकास को लेकर आ रही है, या कौशल विकास को लेकर आ रही है, गांव में जो रोजगार बढ़ाने के तरीके, शहरों में रोजगार बढ़ाने के तरीके, नवीकरणीय योजना को लेकर जो है अगर कोई डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज आ रही है उसको आप तुरंत के तुरंत अपडेट करें, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल, अब अगर न्यूज़पेपर में आपको इंटरनेशनल जो है वो करंट अफेयर्स भी आपको अपडेट करना है, तो इंटरनेशनल में जो सबसे इजी और सबसे आसान आपके टारगेट में हो रहा है, अगर कहीं कोई सम्मेलन हो रहा है, G20, ब्रिक्स, SCO, कुछ भी हो रहा है, और स्पेशली उसमें अगर भारत शामिल है तो आपको उसको तुरंत अपडेट करना है, यानी जितनी भी आपके जो है कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं वो आपको अपडेट करना है। सेकेंड, आपकी संधियां हो गई, ठीक है, जो आप इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं देशों के बीच में, जैसे अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, कोई भी अगर हमारी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, संधियां हो रही है, तो उसको आप अपडेट करेंगे, राइट। सेकेंड, नेक्स्ट हो जाएगा अगर कोई विवादित स्थान है, जैसे आप लगातार सुन रहे हो कि अभी गोलान हाइट्स क्वेश्चन आया था आपका, इसी प्रकार गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये जो बार बार वर्ड यूज हो रहा है, एलेप्पो, इन वर्ड्स को जो है आप लगातार क्या करोगे, अपडेट करना शुरू करोगे तुरंत। आपको जहां भी कोई विवादित स्थल दिखाई पड़ा आपने तुरंत उसको जो है अपडेट कर लिया, उसकी ज्योग्राफी को आपने तुरंत मैप उठाया और देखा ये क्या है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हरमुज जल संधि हो गई, मलक्का हो गया, मलक्का जो है वो आपका स्टेट हो गया, तो ये है कहाँ बेसिकली, और आप देखोगे क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आते हैं। इसके बाद वो सभी संबंध, जैसे मान लीजिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अगर हम बात करें, बायलेटरल, मल्टीलेटरल, इसमें इंडिया इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उनको जो है आप अपडेट करते रहेंगे, चाहे हम स्विट्जरलैंड से काले धन के लिए बात कर रहे हो, या अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन को लेकर बातचीत कर रहे हो, या कोई बहुपक्षीय, अभी आपने देखा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को लेकर एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो सेगमेंट बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये तुरंत आप उठाओगे और तुरंत उसको अपडेट कर लोगे, राइट। चलिए, ये 6 टॉपिक हमारे हुए, 7वें टॉपिक पे आते हैं, जो सबसे इजीएस्ट होता है और सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आ रहे हैं, यानी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, सरकार ने कुछ भी लॉन्च किया, कभी कभी ये न्यूज के रूप में नहीं आता, ये एड के रूप में आता है, एड भी आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे, जैसे प्रधानमंत्री फलाना योजना, ये उज्ज्वला योजना, तो आप उसमें जिसे आपने देखा होगा कि उसमें नीचे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स लिखे होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतने सिलेंडर देंगे, हम ऐसा जो है मदद पहुंचाएंगे, राज्यों में ऐसा किया जाएगा, तो आप तत्काल जो है चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, अब जैसे मध्य प्रदेश सरकार वनवासी योजना लॉन्च कर रही है तो उसको तुरंत आप एड के रूप में आता है और तुरंत उसको आप जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तो जितनी गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी है वो रेगुलर इसके साथ चलेगा। तो ये हो गए हमारे 7 सेगमेंट। 8वां सेगमेंट जो आपको अपडेट करना है वो इकोनॉमिक्स है, बहुत ही वेरिएबल टॉपिक है, बहुत इनडेप्थ की जो जरूरत पड़ेगी और कॉन्टिन्यूटी की जरूरत पड़ती है, सततता की जरूरत पड़ती है, तो आर्थिक में बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन मैं आपको बहुत प्रिसाइज कर रहा हूं कि हमें बेसिकली किस पर फोकस करना है और यूपीएससी हर साल कहां से क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स के टर्म में जाओगे तो सबसे पहले अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज है, राइट, बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बैंकों के विलय को लेकर हो, चाहे एनपीओ को लेकर हो, या सरकार द्वारा कोई जो है नीतियां लेकर आई बैंकों से रिलेटेड, तो बैंकिंग न्यूज सबसे पहले आप अपडेट करना शुरू करोगे, क्योंकि ये जो है वो लगभग हर साल, चाहे बैंक हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे उनकी पॉलिसीज हो, रिजर्व बैंक के द्वारा कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी लिया जा रहा है, इस बार भी अगर आपने पीटी में देखा होगा तो आपने देखा होगा रिजर्व बैंक में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC बनाया गया, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपको सीधे वहां से मिल जाएंगे। सेकेंड, आपकी राजकोषीय नीतियां, जो गवर्नमेंट की जो सेगमेंट होता है यहाँ पर राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी संबंधित जो न्यूज आ रही है उसको आप तत्काल जो है वो अपडेट करेंगे। इसके बाद अगर सरकार कोई भी आर्थिक सुधार कर रही है, बैंकिंग के बाद अगर कोई आर्थिक सुधार कर रही है, जैसे कि अभी GST एक आर्थिक सुधार है, आपने देखा इस बार पीटी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो GST को लेकर आ रही है, या सरकार कल को कोई और भी नया सुधार लेकर आ रही है, सरकार कह रही है कि हम ऐसा कर देंगे या हम डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाएंगे, तो आपने देखा होगा पूरे पेपर में जो है वो आर्थिक सुधारों से लेकर पूरी न्यूज भरी हुई थी। तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, रिफॉर्म का मतलब है कि जो जहां पर था उससे आमूलचूल उसमें परिवर्तन, एक सडनली जो चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म, यहां पर हम उसको रिफॉर्म का नाम देते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो परंपरा का सेगमेंट चलते चले आ रहे थे उसको बदल कर हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रिफॉर्म्स। तो यहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जितने भी होंगे आप उसको तुरंत आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
इसके साथ साथ जो फाइनेंस को लेकर कोई भी खबर है, वित्त को लेकर कोई खबर है कि वित्त को लेकर क्या खबर आ रही है, या इससे रिलेटेड जो है सेगमेंट, या हमारा व्यापार है इसको लेकर कोई सेगमेंट, इसको आप तुरंत करेंगे। और एक जो लगातार मैं देखता हूं कि न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं, वो होती है निवेश को लेकर, ठीक है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो सरकार कई क्षेत्रों में या तो निवेश कर रही होती है या विनिवेश कर रही होती है। आपने देखा कि एयर इंडिया में जो विनिवेश है वो काफी चर्चा में रहा और एग्जाम में भी आ गया मेंस में। तो आप यहां पर देखोगे कि जो आप चाहे निवेश सरकार कई क्षेत्रों को खोलती चली जा रही है ताकि जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आ रही है ताकि वो और ज्यादा जो है काम करना इस देश में आसान हो। इसी तरह जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपको लगातार अपडेट करने पड़ेंगे। तो निवेश हो गया, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट को लेकर, कॉर्पोरेट चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को लेकर, चाहे कॉर्पोरेट के जो वर्किंग कल्चर को लेकर है, या कॉर्पोरेट में अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो आपके सिलेबस में है उसको लेकर, यानी कॉर्पोरेट भी जो है समाज के लिए क्या कर सकता है, तो इससे संबंधित अगर कोई न्यूज आ रही है तो आप उसको तुरंत क्या करेंगे, अपडेट करना शुरू कर देंगे। चलिए ये हो गए हमारे 8, राइट। अब हम आते हैं 9th पे, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशली अगर मैं हिंदू की बात करूं तो संडे को आपने देखा होगा एक बहुत ही ब्रॉड सेक्शन वो कवर करते हैं। ये तमाम और भी मैगजीन है, द नेचर हो गया, या साइंस रिपोर्टर हो गया, विज्ञान प्रगति हो गया, ये सभी जो है वो डेडिकेटली इसको कवर करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन होता है और खासतौर पे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो बड़ा फियर करते हैं इसमें, लेकिन कवर तो इसको बहुत करना है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हो रहे हैं अब वो टेक्नोलॉजी बेस आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको वो स्पेसिफाई कर देता हूँ कि क्या क्या चीज में आपको कवर करनी है, आप इसको नोट डाउन भी करेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सेक्शन है उसको आप कवर करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो विज्ञान है उसको आप कवर करेंगे। आपने देखा होगा PT में भी इस बार 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए थे, और मेंस में भी क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे वो ब्रह्मांड की खोज को लेकर हो, सर्न में जो प्रयोगशाला चल रही है, या इसरो चूंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय, तो इसरो अगर कोई प्रक्षेपास लॉन्च कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है तो आप उसको तुरंत तुरंत अपडेट करना शुरू करें। तो फर्स्ट वन इज स्पेस टेक्नोलॉजी। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो चिकित्सा, यानी कि जो मेडिसिन टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो खैर क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, चाहे वो कैंसर को लेकर हो, चाहे स्टेम सेल को लेकर हो, चाहे वो किसी लाइलाज बीमारी की अगर हम बात करें तो उसको लेकर हो। तो जो नई नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसको जो है अपडेट करोगे नेक्स्ट में है, जिससे बोलते हैं चिकित्सा प्रौद्योगिकी। थर्ड वन नैनो टेक्नोलॉजी। माना जा रहा है कि आने वाला पूरा समय जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी का समय होगा। आपने देखा ग्राफीन पे भी क्वेश्चन आ चुका था, इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो ग्राफीन, जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देगा, और हमारा विज्ञान जो है वो क्रिटिकल हो जाएगा, मतलब हम बहुत ज्यादा चेंज अपने अंदर कर सकेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी खबरें आ रही है उसको आप अपडेट करेंगे। इसके बाद आपका होता है आनुवंशिक, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। दुनिया में इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है, चाहे वो जीनोम की बात करें, चाहे अगर हम उसमें हम कोई अल्टरेशन की बात करें, चाहे क्लोनिंग की बात करें, ये सभी कुछ आनुवंशिक से संबंधित है। और आप जानते हैं कि GM क्रॉप्स लगातार 3 साल जो है IAS प्री में और मेंस में भी पूछा गया, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, GM क्रॉप्स होते हैं, ये सभी उसी का हिस्सा है, आनुवंशिक हो गया। नेक्स्ट वन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारत एक अंगड़ाई ले रहा है, एक बहुत उसका रक्षा बजट बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में और बार बार वो ये कह रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, हम खुद से अपने दम पर बनाना चाहते हैं। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए तेजस हो गया, या भी आपने कोई पनडुब्बी आपने उसमें डाली, या कोई नया भारत ने इंडिजीनियस कोई वायुयान की खोज की या बनाया उसको, या कोई अपना प्रक्षेपास्त्र बनाया, ये सभी कुछ डिफेंस में आता है। तो डिफेंस आप तुरंत क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ। जहां पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ में इन्वॉल्व है, जैसे डेंगू का कोई टीका खोज लिया गया, इंसेफ्लाइटिस का कोई टीका खोज लिया गया, आपने देखा हमारे स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, TB आप जानते ही कि TB को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्स हो गया, इबोला हो गया, तो ये जो आपका हेल्थ सेनेरियो है, ये हेल्थ सेनेरियो आपको कवर करना बहुत जरूरी है, यानी यहाँ स्वास्थ्य को लेकर आप बातचीत काफी करेंगे। तो यहाँ पर जो भी खबरें आ रही हैं उसको आप तत्काल के तत्काल क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ये रहा आपका नवा सेक्शन, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे 10th, अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है, जो भी खेल में इंपॉर्टेंट खेल, अब ऐसा नहीं केवल आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो क्रिकेट, जो भी आपकी जो है वो ऐसे खेल जिसमें भारत अभी उभरने की कोशिश कर रहा है, बैडमिंटन, टेनिस, ठीक है, कबड्डी, या अभी आपने देखा कुश्ती, बॉक्सिंग, ये सब जो खेल हैं जिसमें हम जो है उभर कर आ रहे हैं और महिलाएं भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़े, जैसे मैरी कॉम को देखते हैं तो बॉक्सिंग लीजेंड के रूप में मानी जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो खेल से संबंधित खबरों को अपडेट करेंगे। कोई पुरस्कार मिला जिससे कहते हैं कि भारत को उसमें बहुत जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिला, उसको अपडेट करेंगे।
या कोई अपॉइंटमेंट हुआ किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर या कोई बहुत महत्वपूर्ण पद पर, तो वो नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, या कोई इमिनेंट पर्सनालिटी जिनकी डेथ हुई है वो किस खेल से संबंधित थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे, इनके बारे में आप जो है अपडेट करेंगे। ये आप चाहें तो किसी मंथली मैगजीन से भी अपडेट कर सकते हैं, राइट, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको 9 कैटेगरीज बनाई है, ठीक है, वो 9th कैटेगरी, जो जितनी भी 9 की 9 कैटेगरीज हैं, उनको आप डेली जो है वो पढ़ेंगे। आप पेपर में पहले आइडेंटिफाई करेंगे, इन खबरों को मुझे नहीं छोड़ना है। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शुरुआती दौर में ही आपका टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। और इनके विषय में आपको 2 से 3 पॉइंट्स अपनी कॉपी में डेली लिखने हैं, डेली लिखने हैं, ठीक है। आपने 2 से 3 पॉइंट लिख लिए, हाँ इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है, इसके महत्वपूर्ण सेगमेंट ये होते हैं, ताकि आने वाले समय पे आपको न्यूज़पेपर पे बार बार ना जाना पड़े। आप उस पर जो है बार बार अपने आप को रिवाइव करते रहें, और इसमें कोई भी एड ऑन करना है कि इसमें और क्या हो सकता है, ये ग्राफीन किसे कहते हैं, ये जो है वो संधियों के अंदर और मुख्य बातें क्या है, या कुछ और डेवलपमेंट आए, तो उसमें आप एड ऑन करते चले जाएंगे। बस आपको इतना करना है, और यकीन मानिए अगर आप इतना भी कर ले जाते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पढ़ने का उनका तरीका होता है। और मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आपका जो टाइम है, कई बच्चे जो शिकायत करते हैं कि सर 4 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं, या कुछ तो ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर डर के मारे पढ़ते ही नहीं है, तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आज की डेट में आपकी कोई भी किताब आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। न्यूज़पेपर आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इसी वे में। इसको नोट डाउन करिए, अपने जो है वो दीवार के सामने लगाइए, डेली जो है आप इस पर बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, 8285894079, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और इसके माध्यम से आपकी समस्याओं का कितना समाधान हो रहा है, ये ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जो वास्तव में इस दलदल में फंसे हुए हैं या उनको बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वो आगे बढ़ सकें। तो और भी आपके जो प्रश्न हैं वो मुझसे आप पूछते रहिए। और बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट ये है कि आप जो है वो अब मेरे ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो आपके ऑप्शनल हो, चाहे आपका जीएस हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो। अगर आप दिल्ली आकर बहुत महंगी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत कम फीस में जो है वो आप अपनी तैयारी को उतनी ही क्वालिटी के साथ, उतनी एनर्जी के साथ और उतनी ही स्किल्स के साथ पूरी कर सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और मैं बस इतना चाहता हूं कि जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके कंस्ट्रेंट हैं, कोई नौकरी में है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है अभी, लेकिन वो दिल्ली आकर जो है अपने आप को डेडिकेट नहीं कर सकता, वो भी अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने जो है वो टैब पे जो है वो सारी क्लासेस उतनी ही क्वालिटी में, उतनी एंथुजियाज के साथ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.ojankisacademy.com, इस पर भी आप जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफिस का जो कॉलिंग नंबर है 8506845434, इस पर कॉल करके आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बस दोस्तों सफर जारी रखिए, अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उसको हटाने के लिए जो है मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए, अपने दोस्त ओजांग को विदा करिए, और फिर किसी आपकी समस्या के समाधान के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।